पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां एक ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने बड़ी लूटपाट की है। यह घटना सहायक खजांची थाने के लाइन बाजार की है। 6 की संख्या में लुटेरे आए थे और मामले की जानकारी पर एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 6 की संख्या में अपराधी दुकान में पहुंचे, सभी को गन प्वाइंट पर लिया। अपराधी सभी ज्वेलरी को एक बैग में भरकर आराम से पैदल ही निकले और यह घटना करीब 12:15 की है और बड़ी लूटकांड में करोड़ों के ज्वेलर्स की लूट की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। पूर्णिया से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। 6 की संख्या में लुटेरे आए थे, हाथ में आप देख पा रहे हैं उनके गन भी है और कुमार प्रवीण है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है, क्या पता चल पाया है, पुलिस क्या बता पा रही है? प्रवीण जी, ये लगभग 12:15 की घटना है। शहर के मुख्य चौराहा ये जीएमसीएच के बगल में ये घटना हुई है और सहायक खजांची थाना से महज 0.5 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। बगल में खजांची हाट थाना भी है और 12:15 करीब 6 से अधिक की संख्या में लुटेरे अंदर घुसे। पहले एक कस्टमर बनकर एक लुटेरा घुसा, उसके बाद फिर अन्य लुटेरे अंदर घुसे और गन पॉइंट पर सभी स्टाफ को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद लूटपाट किया है। और बताया जा रहा है कि जो हीरा डायमंड का जो ऑर्नामेंट था वो ऊपर में था, लुटेरे ऊपर पहुंचे हैं और वहां से डायमंड का और फिर सोना का जो गहना था वो सारा एक थैला में भरा है और उसके बाद आराम से वो 6 लुटेरे निकले हैं और पैदल कुछ दूर तक गया है और फिर एक राइडर बाइक है, 2 बाइक उस पर सवार हुआ है। इस दौरान लुटेरों का भागने के दौरान उसका एक हथियार भी गिर गया था और अभी सूचना मिलते ही एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा, डीआईजी विकास कुमार और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे हैं। कई थाना की पुलिस यहां पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है और जांच कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का डकैती हुई है और दिन दहाड़े इस तरह की डकैती हुई है, जिससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि इस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुख्य रोड के बगल में ये तनिष्क का ज्वेलर्स है और वहां पर दिन दहाड़े इस तरह की डकैती हुई है। हालांकि प्रशासन, प्रवीण एक तस्वीर में गार्ड दिख रहा है, क्या गनमैन वहां पर नहीं था, क्या उसने कोई फायरिंग नहीं की? नहीं, गनमैन भी था लेकिन जो बताया जा रहा है कि गार्ड बाहर में खड़ा था और उसके सामने से वो, क्योंकि पहले कस्टमर बन के अंदर घुसा है और जो लास्ट में अपराधी अंदर घुसा है, वो अंदर घुसने के बाद फिर गार्ड को अंदर बुलाया है। पहले गार्ड भी समझा है कि एक ये कस्टमर हो सकता है, लेकिन जब जैसे ही गार्ड को अंदर बुलाया फिर उसको गन के निशाने पर उसको भी ले लिया और उसको भी अंदर में बंद कर दिया। उसके बाद शटर बंद करके फिर अपराधी आराम से वहां अंदर में लूटपाट किया है, जिसका फिर सीसीटीवी फुटेज भी आया है और भागने का भी सीसीटीवी फुटेज है और आराम से लूटपाट किया है। हालांकि अभी तक कितने की लूट हुई है ये क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि अभी आकलन किया जा रहा है। एक बात और आ रही है कुमार प्रवीण की, ये लोग पैदल ही लूट का सामान लेकर निकल लिए, तो जो आसपास जो लोग थे, भीड़ तो जो आप समय बता पा रहे हैं 12:30 की बात है, तो ऐसे में तो जो पीछे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वहां पर भीड़ होती है और जो रास्ते पर चलने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है, तो ये लोग किधर निकले, क्या और भी दुकानों के सीसीटीवी फुटेज या फिर जो रोड साइड या फिर चौराहों पर सीसीटीवी लगे होंगे, क्या अभी तक पुलिस को वो उपलब्ध हो पाए हैं? जी बिल्कुल, ये मुख्य सड़क के बगल में है, रेणु उद्यान है, बगल में जीएमसीएच है, पूरा मार्केट है और 6 लेन रोड है। 6 लेन रोड के बगल ये दुकान है और बड़ा सा यहाँ तनिष्क ज्वेलर्स का बहुत बड़ा शोरूम है और उसमें ये लूटपाट की घटना हुई है और आराम से यहाँ से अपराधी पैदल निकलकर लगभग 100 मीटर तक पैदल गया है और उसके बाद जाके बाइक पर बैठा है और वहां से वो आराम से फिर निकले हैं। हालांकि पुलिस सारी घटनाओं पर जांच कर रही है कि आखिर कैसे अपराधी घुसा। हालांकि जो बातें सामने आ रही है कि पहले भी वो जो अपराधी पहले गया हुआ था उसमें से कुछ अपराधी पहले भी अंदर गया है, इसका कहीं ना कहीं ये लोग रेकी किया है और रेकी करने के बाद इस को आज इन्होंने अंजाम दिया है। और ये नहीं, ये रेकी वाली बात कौन कह रहा है, चूंकि इन्होंने वर्षों में ये सबसे बड़ी घटना है जो कुमार प्रवीण, ये रेकी वाली बात कौन कह रहा है? ये स्थानीय लोग भी कह रहे हैं और वहाँ के कुछ स्टाफ भी कह रहे हैं कि जो लोग था उसमें ऐसा लगा कि उन लोगों को पहले भी वो लोग देखा हुआ है यहाँ पे, हो सकता है कि रेकी करने के लिए कस्टमर के रूप में वो अंदर आया होगा और आज जैसे वो अंदर पहुंचा है तो उन्होंने पहले चांदी का
गाना दिखाने का मांग किया। जब स्टाफ गाना दिखाने लगा उसके बाद फिर वो ऊपर चला गया और डायमंड का, क्योंकि उनको ये पता था कि ऊपर में डायमंड का सेट है, वहाँ ऊपर गया और डायमंड का सेट के बारे में पूछताछ किया। और फिर उसके बाद जो काउंटर था, काउंटर को तोड़कर और जहाँ जहाँ डायमंड था वो सारा ऑर्नामेंट्स निकाल कर वो थैला में भरता है और आराम से यहाँ से निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खासकर पूर्णिया के जनता के सामने ये तस्वीरें हैं और सबको सहयोग करना चाहिए, खासकर इन सभी लुटेरों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए। वहाँ पे बाइक था उसका, ब्लैक कलर का था, राइडर था, चढ़ने का कोशिश कर रहा था, उसमें उसी टाइम पे उसका एक हथियार गिर गया। हाँ, और कोई वो हथियार शायद था मतलब टोटो वाला, शायद उसको उठा लिया। कितना अपराधी था वो लोग? छः आदमी था वो लोग, तीन आदमी इस होके गया है, तीन आदमी उस होके निकला। उसके बाद तो फिर बाइक से चला गया। हाँ, और बड़ी खबर वैशाली से आ रही है जहां बैंक लूट की योजना विफल हो गई है। लूट का प्लान बनाते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड का 1 लाख का इनामी भी गिरफ्तार किया गया है। 2 कट्टा, 2 कोली और 2 किलो चरस बरामद भी इनके पास से हुआ है। हाजीपुर सोनपुर में बैंक लूट की योजना इनकी तरफ से बनाई जा रही थी, हालांकि इस योजना के बनाने के दौरान ही इन्हें पकड़ लिया जाता है। वैशाली के सदर थाना क्षेत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रफुल्ल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी मिल रही है, क्या इसे लेकर कोई इनपुट पुलिस को मिला था जिसके बाद कार्रवाई हुई है? जी देखिए, बिल्कुल, ये चार अपराधी थे और सबसे खास बात है कि ये इनोवा का सवार होकर और हाजीपुर सोनपुर के बैंकों की इन्होंने रेकी की थी और इन्हीं दो जगहों पे बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक दिए थे। और एसटीएफ को इसकी सूचना मिली थी, एसटीएफ ने जिला पुलिस से संपर्क किया और बिहार एसटीएफ और वैशाली पुलिस एसपी जो है वैशाली के जो हरकिशोर राय जी हैं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और एसटीएफ और वैशाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इनको घटना करने से पहले ही इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक अपराधी है अविनाश कुमार उर्फ बॉस, उसका नाम है, वो उत्तराखंड में जो पिछले साल शोरूम में लूट हुई थी, करोड़ों की लूट थी, करीब 20 से 25 करोड़ की लूट हुई थी, उस लूट का ये मास्टर में शामिल था और इस पर उत्तराखंड में। प्रफुल्ल, ऐसे में क्या ये ज्यादा अब चिंता का विषय है, क्योंकि अंतर्राज्यीय गिरोह लगता है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? अब आपको सिर्फ राज्य के अंदर चोर या लुटेरे हैं उनकी पहचान से काम नहीं चलेगा, अब आपको इनके चेन को तोड़ना होगा क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये चार जो अपराधी हैं उनके बारे में जो पता चला है बात, वो तो सिर्फ बिहार और वैशाली ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी ये अपराध करते हैं और इनके ऊपर दूसरे राज्यों में भी मामले दर्ज हैं और इनका आपराधिक इतिहास जो है वो खंगाला जा रहा है। ये इनका जो नेटवर्क है वो काफी फैला हुआ नेटवर्क है और दूसरे प्रदेशों में भी जाकर ये लूट की वारदात को अंजाम देते और बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो पुलिस ने हासिल की है और एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही वैशाली पुलिस ने विफल कर दिया है। प्रफुल्ल, एक सवाल और भी है। प्रफुल्ल, एक सवाल ये है कि क्या ये पता चल पाया, पुलिस ये तो बता रही है कि किसी बैंक को इन्होंने निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, किस शाखा की तरफ इनका ध्यान था, क्या इसके बारे में कोई सूचना है? इस बारे में पुलिस को जानकारी इन अपराधियों ने बड़े दी है, लेकिन एसपी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी किया है उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि एक बड़े बैंक थे इन दोनों जगहों पे और उस बैंक को निशाना बना था। जैसा कि मैं बता दूं आपको, पिछले सोनपुर में ही पंजाब नेशनल बैंक को पिछले साल ही अपराधियों ने निशाना बनाया था, 2 होमगार्ड जवान की हत्या कर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दी थी। ये सॉफ्ट टारगेट इस इलाके को ये अपराधी जो थे उन्होंने चिन्हित किया था, उन बैंकों की रेकी की थी, तो इन दो जगहों से कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। हालांकि किस बैंक को इन्होंने टारगेट किया था इसका खुलासा इसलिए नहीं किया, लेकिन एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले वैशाली पुलिस ने विफल कर दिया और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। और ये चारों अपराधी जो है वो काफी शातिर अपराधी हैं, इन पर समस्तीपुर से लेकर वैशाली जिले में भी कई थानों में इनके ऊपर संगीन मामले दर्ज हैं, इसके अलावा बिहार के बाहर भी इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए।
और पटना से बड़ी खबर है, आरजेडी नेता और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह को विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया है। विधान परिषद की आचार समिति की अनुशंसा पर यह कार्रवाई हुई है। रामभूषण राय ने सुनील सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने बहुमत से स्वीकृत किया। आरजेडी नेता सुनील सिंह का मामले में आचार समिति में एक मामला पहुंचा था जिसकी जांच में वो दोषी पाए गए थे। तो सुनील सिंह की एमएलसी सदस्यता रद्द होने के बाद राबड़ी देवी ने सरकार पर जोरदार हमला किया है। राबड़ी देवी ने इसे गलत फैसला बताते हुए सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। गलत किया है, ऐसा नहीं होता है। जब कुछ बोले चाहे ना बोले तो उसको तो एक दूसरे के लिए सदन से लोग बाहर कर देता है, चाहे माफ कर देता है। भगवान भी एक दिन एक मौका देता है माफ करने के लिए। तो ऐसे में तो लोग डरेंगे आपको भी हमको हम तो नचा देंगे, हम सबको नचाएंगे, देखिएगा ना, हम छोड़ेंगे नहीं। ना। जब दो तीन आदमी था तब तो हम छोड़बे नहीं किए, तो आप कौन चाहिए, अब तो हम लोग ज्यादा संख्या। बिहार विधान परिषद से बड़ी खबर, एक और आरजेडी एमएलसी पर कार्रवाई की खबर है। मोहम्मद कारी सोहैब पर भी कार्रवाई की खबर है। कारी सोहैब अगले सत्र की दो बैठक से निलंबित हैं। कारी सोहैब दो दिन बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन, सदन में विपक्ष ने आज भी जोरदार हंगामा किया और जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी विधायक नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की। विपक्षी विधायक इस दौरान वेल में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर हंगामा किया। आरजेडी विधायकों ने अपने हाथ में पोस्टर लेकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। विपक्षी विधायकों ने रिपोर्टर टेबल को उलटने की भी कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष ने हालांकि इस दौरान उन्हें चेताया कि अगर टेबल गिरा तो कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जनता आप लोगों को देख रही है। स्पीकर की चेतावनी के बाद विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर जमकर बवाल काटा। विपक्ष विशेष राज्य का दर्जा और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर रहे था। विशेष राज्य के दर्जे पर चुप बैठे हुए हैं और उन्होंने चुनाव के पहले कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जब आरा आए थे तो उन्होंने कहा था 1,65,00,000 करोड़ हम पैकेज देने का काम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे। लेकिन पूरी तरह से नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। अब भारतीय जनता काफी चुप, हम एकजुट हैं, महागठबंधन पूरे तौर पर एकजुट है और एकजुट होकर के बिहार के जनता के सारी समस्याओं को हमने सरकार के सामने उठाने का काम कर रहे हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन समस्याओं को आप हल करें। विशेष राज्य के दर्जा हमारे बिहार के मुखिया मांग करते रहे लेकिन नहीं मिला और ये समझौता कर लिए विशेष पैकेज पर, लेकिन हम लोग आंदोलन करते रहेंगे कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिले। तो वहीं बिहार बीजेपी में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को बिहार की कमान सौंप दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को एक साल के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। दिलीप जायसवाल वर्तमान में नीतीश सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दिलीप जायसवाल को प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं, सीमांचल में इनकी अच्छी राजनीतिक पकड़ है, बिहार विधान परिषद के ये सदस्य हैं। रांची से बड़ी खबर है, ईडी दफ्तर पहुंचा आरोपी कमलेश, जमीन घोटाले के आरोपी कमलेश से पूछताछ होनी है। ईडी ने कमलेश को छठा समन जारी किया है। 5 समन पर कमलेश नहीं पहुंचा था ईडी दफ्तर। ईडी ने पहले कमलेश के घर पर छापेमारी की थी और इस दौरान उसके घर से 1 करोड़ नकद और 100 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।
तो वहीं आज से झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रस्ताव के साथ सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीते सत्र से अब तक दिवंगत हुए लोगों के प्रति सदन में गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके बाद सदन में एटीआर रिपोर्ट पेश किया गया और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक व्यक्त किया। सीएम के साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत कई विधायकों ने शोक व्यक्त किया और सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वैसे तो सदन के अंदर आज हंगामा नहीं हुआ, लेकिन सदन के बाहर विपक्ष आक्रामक नजर आया और रोजगार, अवैध खनन और भ्रष्टाचार के साथ घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। आज झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली से वापस रांची लौटे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान राजेश ठाकुर ने बताया कि मंत्री बनने के बाद यह औपचारिक मुलाकात पार्टी के आला नेताओं के साथ थी। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्हें निर्देश दिया गया कि पार्टी जिन वादों को लेकर चुनाव में गई थी उसे जल्द से जल्द पूरा करे और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी सीटों पर एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। से मिलने, अपने नेतृत्व से मिलने, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने लगातार जाते रहते हैं। दो मंत्री नए बने थे, उनको आभार व्यक्त करना था अपने नेतृत्व को और उनसे निर्देश लेना था कि हम कैसे काम करें। उनका सीधा निर्देश है नेतृत्व का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का, कि आपने जो मैनिफेस्टो में वादा किया है उसको अविलंब पूरा करें, जो छूट गया है उसको भी पूरा करें। तो झारखंड को नया प्रभारी डीजीपी मिल चुके हैं। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। इससे पहले वो एसीबी और सीआईडी डीजी भी रह चुके हैं और नए प्रभार के साथ ही वो अब एसीबी और सीआईडी डीजी का भी काम संभालेंगे। वहीं इसे लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं अभी तक झारखंड डीजीपी की जिम्मेदारी निभा रहे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को ट्रांसफर करते हुए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बनाया गया है। बजट को लेकर विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने पलटवार किया। राजभूषण निषाद ने कहा कि बिहार की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है पीएम मोदी ने किया, बिहार को बड़ी सौगात दी, बिहार के लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बिहार में सुशासन की सरकार बताया है और कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग बचेंगे नहीं। जेडीयू के सीनियर लीडर राजीव रंजन का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया। पटना के कंकड़बाग स्थित उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। बिहार के कई बड़े नेता उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देते नजर आए। नेताओं का कहना है कि जेडीयू के लिए एक बड़ी क्षति है। बता दें कि राजीव रंजन जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर भी थे। जेडीयू के टिकट से इस्लामपुर से 2010 में विधायक वो बने थे। 2014 में बीजेपी में वो आए। बिहार बीजेपी में भी संगठन में विभिन्न पदों पर उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। बीजेपी में मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष जैसे पद पर वो रहे। एक साल पहले बीजेपी से जेडीयू में एक बार फिर वो आए थे। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन गुर्गों की बिहार पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस के गिरफ्तार गुर्गों ने विदेशी हथियार सप्लाई किए जाने के बारे में भी कई राज उगले हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए और एटीएस की पूछताछ में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। गोपालगंज में जब्त किए गए ऑस्ट्रिया निर्मित विदेशी हथियार पाकिस्तान से पंजाब के पठानकोट के रास्ते पहुंचा था। इसे मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में लॉरेंस के दूसरे गुर्गे को देना था। इससे पहले 7 जुलाई को हथियार की सप्लाई की जा चुकी है। हथियार सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड में मलेशिया में बैठे मयंक सिंह का नाम सामने आया है। मयंक सिंह के जरिए हथियार को लॉरेंस के गुर्गों द्वारा बिहार भेजा गया और मुजफ्फरपुर के साथ साथ मोतिहारी में बड़ी वारदात को अंजाम देना था। मयंक सिंह झारखंड के जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के लिए काम करता था और अब लॉरेंस के गैंग को अमन साहू से मिलाकर दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उससे संपर्क में होने के काफी पुख्ता सबूत पुलिस को मिली है और साथ ही साथ इसमें एक और कड़ी जुड़ी है कि अमन साहू जो गैंग है बिहार झारखंड का,
उससे भी संपर्क में होने के साक्ष्य मिले हैं। अब इन दोनों को गैंग का क्या कनेक्शन है इस पर पुलिस इसको खंगाल रही है और इसमें अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है और आगे अनुसंधान में जो चीजें आएंगी उसको सामने लाया जाएगा। आने वाले समय में फिर और गिरफ्तारियां हो सकती है? आने वाले समय में कई और गिरफ्तारियां होनी है क्योंकि कई और भी जो गैंग मेंबर्स हैं इस हथियार तस्करों के उनके नाम सामने आए हैं और हथियार सप्लाई करने वाले वालों के नाम भी सामने आए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो विशेष टीम गठित की गई है। तो वही मोतिहारी में बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया। एक मजदूर को बिजली विभाग ने 32 लाख के बिजली बिल का झटका लगाया है। बिजली बिल आने के बाद उपभोक्ता के होश उड़ गए। बिजली विभाग ने मजदूर की बिजली भी काट दी है। उसके घर में जो कनेक्शन लगाया गया था उसे काट दिया गया है। परिवार अंधेरे में इस वक्त रहने को मजबूर है। सरैया गोपाल पंचायत के वार्ड संख्या 12 के रहने वाले मजदूर संदीप कुमार राउत को 32,11,530 रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया। बिजली बिल मात्र 2 महीने का ही है। परिवार ने बिजली विभाग से समाधान की गुहार लगाई। बिजली विभाग के जेई ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, बिजली बिल में सुधार कर लिया जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।